हाय गाइस, तो इंटीग्रेशन में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आपको इंटीग्रेशन निकालना है x प्लस टू अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस टू x प्लस थ्री का। तो गाइस आप क्या करेंगे, x प्लस टू को आप निकलेंगे a इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस टू x प्लस थ्री, लास्ट में b ऐड कर देंगे और जब प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो x प्लस टू इज इक्वल टू रहेगा a ब्रैकेट में 2x प्लस टू लास्ट में प्लस b। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन रखते हैं तो आपको डायरेक्टली b की वैल्यू मिल जाएगी 1 के इक्वल। एंड अगर थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करते हैं यानी कि x प्लस टू इज इक्वल टू 2ax प्लस 2a प्लस b, तो आप जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 के इक्वल। b की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख देंगे तो आपको फाइनली a की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाई टू। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको x प्लस टू की वैल्यू मिल चुकी है 1 बाई टू ब्रैकेट में 2x प्लस टू प्लस वन, इसको आप क्वेश्चन में पुट कर दीजिए तो आपको दिख रहा होगा आपको किस किस का इंटीग्रेशन निकालना है। आपको इंटीग्रेशन निकालना है 1 बाई टू इंटीग्रेशन 2x प्लस टू अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस थ्री, प्लस आपको इंटीग्रेशन निकालना है 1 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस थ्री का। नाउ अब आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे दो पार्ट लिखे, एक आई वन प्लस आई टू, यानी पहले आपको आई वन वाला पार्ट सॉल्व करना है, देन आप आई टू वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ अगर मैं आई वन वाले पार्ट की बात करूं तो 1 अपॉन टू इंटीग्रेशन, अगर आप रूट के अंदर वाली वैल्यू को टी लेट करते हैं तो आपका 2x प्लस 2 इंटू dx पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको इंटीग्रेशन निकालना होगा 1 बाई टू इंटीग्रेशन t की पावर माइनस हाफ dt का। तो इसका जब इंटीग्रेशन आप पूरा सॉल्व करके निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा रूट के अंदर t, राइट। तो रूट के अंदर t यानी कि t की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अभी कॉन्सेप्ट आप इसमें ऐड मत कीजिए क्योंकि आपको सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। अब अगर हम सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो आपको जो रूट के अंदर वैल्यू दिखी है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको आप अलग से लिख लीजिए और यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तब आप देखेंगे x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो उसका हाफ करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 के स्क्वायर को ऐड भी कर दीजिए, 1 के स्क्वायर को माइनस भी कर दीजिए, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका 2, तो 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर। नाउ आप सभी जानते हैं कि जब इसको आप क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन निकालना है 1 अपॉन रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। और इसके लिए हमें एक फॉर्मुला पता है कि जब आपको इंटीग्रेशन निकालना हो 1 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है लॉग ब्रैकेट में x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। यानी कि अगर मैं इस फॉर्मुले को यहाँ पे अप्लाई करूं तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, लॉग के अंदर x प्लस 1 फिर प्लस रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके आप देख सकते हैं, लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और दोनों यानी आपने i2 भी निकाल दिया i1 भी निकाल दिया, दोनों को लास्ट में ऐड कर दिया और लास्ट में c ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लास्ट में आप ब्रैकेट लगा दीजिए और प्लस c आप ऐड कर दीजिए। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।